करण जौहर की फिल्म दिल है मुश्किल आखिरकार धनतेरस के दिन सिंगल स्क्रीन और मल्टीप्लेक्स सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है। फिल्म में फवाद खान ने काम किया है और इस वजह से रिलीज से पहले यह काफी वादों का सामना कर चुकी है। हालांकि रिलीज होने के बाद भी इसके खिलाफ प्रदर्शनों का सिलसिला नहीं था। फिल्म के रिलीज होने से पहले महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने इसके खिलाफ मुंबई में प्रदर्शन किया और फिर बाद में COAI ने ऐलान किया कि ए दिल है मुश्किल को महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में सिंगल स्क्रीन रिलीज नहीं किया जाएगा। फिल्म के रिलीज को MNS की तरफ से तब हरी झंडी मिली जब करण जौहर MNS प्रमुख राज ठाकरे से मिले और आर्मी वेलफेयर फंड में 5 करोड़ रुपए डोनेट करने के लिए तैयार हो गए। पश्चिम बंगाल में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सिनेमाघरों के सामने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में भी दक्षिण पंथियों ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया। करण जौहर निर्देशित ए दिल है मुश्किल में रणबीर कपूर, अक्षय राय बच्चन और अनुष्का शर्मा मुख्य किरदार निभा रहे हैं और यह फिल्म अजय देवगन की फिल्म शिवाय के साथ शुक्रवार को रिलीज हुई है। रिपोर्टर्स के अनुसार पहले दिन दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। आनस रिपोर्ट।